डंडई में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लगभग 45,000 रुपए की संपत्ति जलकर हुई खाक। डंडई से दीपक कुमार की रिपोर्ट। डंडई में शॉर्ट सर्किट से बिजली की तार में आग लग गई। आग लगने से निकट में रखे किसान मोहन चंद्रवंशी का पुआल लगभग 400 से अधिक बोझा जल गया। लोगों ने आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि पुआल के पास में बनाया हुआ लाला राम का पशुओं को रहने के लिए बनी हुई झोपड़ी में भी आग लग गई। आनन फानन में ग्रामीण के द्वारा बिजली विभाग को फोन कर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना दी गई। बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा तुरंत बिजली काटा गया। ग्रामीण किसी तरह मवेशियों को बचाने में सफल हुए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अचानक बिजली की तार शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और वहीं नीचे रखे पुआल में आग का गोला गिर गया, जिससे लाला राम पिता जोगेश्वर राम के झोपड़ी में बंधी हुई मवेशी बाल बाल बचे और लोगों की सूझबूझ से पास में लगी गेहूं की फसल को बचा लिया गया। किरण देवी ने बताया कि लगभग 45,000 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग बुझाने में अवधेश चंद्रवंशी, श्याम प्रजापति, नंदू ठाकुर, अवधेश चंद्रवंशी, रमेश कुमार, जगदीश महतो, दिलीप राम इत्यादि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आप सभी गढ़वा जिला वासियों को गढ़वा दृष्टि की तरफ से होली की अग्रिम शुभकामनाएं। होली के शुभ अवसर पर गढ़वा दृष्टि लेकर आया है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, गाना गाइए और जीतिए इनाम। भेजने की तिथि 10 मार्च से 25 मार्च तक एवं परिणाम 1 अप्रैल को गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल पर घोषित किए जाएंगे। आप हमें अपना गाना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। धन्यवाद।